आज के वीडियो में कुछ लोगों को डाउट्स है COVID-19 के रिपोर्ट्स को लेके कि रिपोर्ट हम कैसे पढ़ते हैं, या RT-PCR का जब आप टेस्ट कराते हो तो उसमें जो CT वैल्यू होता है उसका मतलब क्या होता है, वो CT वैल्यू कितना होना चाहिए COVID-19 अगर पॉजिटिव पेशेंट आता है तो उसमें, और उस CT वैल्यू से हम कैसे पता कर सकते हैं कि व्यक्ति के शरीर में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जो है कि कम है कि ज़्यादा है। तो इन सारे विषयों पे मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ऐसी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, क्योंकि उनके भी जो भी डाउट्स होंगे इस वीडियो को देखने के बाद से सबके सब क्लियर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब RT-PCR COVID-19 का जब हम टेस्ट कराते हैं तो उसमें CT वैल्यू होता है उसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों उसके पहले बता दो, जो CT होता है, CT का मतलब होता है साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। वैल्यू मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का जो CT वैल्यू है अगर 24 से ज़्यादा आ रहा है, ये जो 24 नंबर है ये आप लोग हमेशा याद रखना, अगर किसी दोस्त या रिश्तेदार का अगर रिपोर्ट आता है तो ये याद रखना हमेशा कि अगर CT वैल्यू 24 से अगर ज़्यादा है तो वह व्यक्ति COVID-19 पॉजिटिव तो है लेकिन इन्फेक्शन उसके शरीर में जो कोरोना वायरस है उसका बहुत कम है, और जब CT वैल्यू अगर 24 से ज़्यादा है तो उसके शरीर में कोरोना वायरस की संख्या कम है, तो वह और किसी व्यक्ति को यह इन्फेक्शन बहुत कम फैला सकता है, यानी कि उससे कोरोना वायरस फैलने का जो चांसेस होता है वह बहुत कम रहता है। लेकिन वहीं पे अगर CT वैल्यू का जो लेवल होगा वो 24 से अगर कम आता है तो मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति के शरीर में जो कोरोना वायरस है उसका वायरस लोड है वह शरीर में ज़्यादा है और वह हाईली इन्फेक्शन उस व्यक्ति को हो चुका है, जिससे कि अगर उस व्यक्ति के संपर्क में कोई और व्यक्ति आता है तो कोरोना वायरस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, यानी कि वह ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस फैला सकता है। तो ये इसका मतलब होता है CT वैल्यू का। तो कभी भी आप लोग हमेशा ये याद रखना कि अगर CT वैल्यू अगर ज़्यादा है तो मतलब कि शरीर में जो वायरस की जो संख्या है वह कम है, इसलिए CT वैल्यू ज़्यादा है और उससे व्यक्ति को खतरा कम है। लेकिन जब CT वैल्यू जब कम रहेगा तो शरीर में जो वायरस की जो संख्या है वो ज़्यादा है, जिसके वजह से उस व्यक्ति को कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरा है। तो ऐसे कंडीशन में किसी व्यक्ति का अगर CT वैल्यू 24 से अगर नीचे आता है तो उस व्यक्ति को अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट चालू कराना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा अगर कम है अगर CT वैल्यू तो ऐसे कंडीशन में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन 24 से अगर ज़्यादा आ रहा है CT वैल्यू तो उस व्यक्ति को होम क्वारंटाइन में भी ठीक किया जा सकता है, घर पे भी अगर ट्रीटमेंट दे के तो उसको क्लियर किया जा सकता है, कोरोना वायरस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये काफ़ी सारे डाउट थे लोगों जो कि इस वीडियो के अंदर से मुझे लग रहा है कि अभी तक क्लियर हो गया होगा। जिनको भी अगर डाउट होगा समझ में नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं रिप्लाई करूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ शेयर करना कि अगर COVID-19 पॉजिटिव आता है किसी व्यक्ति का तो उसमें आपको सिर्फ CT वैल्यू देखना है कि CT वैल्यू कितना है, अगर 24 से ऊपर है तो घबराने की जरूरत नहीं है, और 24 से अगर नीचे आ रहा है तो कितना कम है 24 से नीचे ये देखने की जरूरत होती है। अगर 24 से अगर थोड़ा सा अगर कम है तो भी ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति से थोड़ा दूरी बना करें जिससे कि कोरोना वायरस आपको भी ना हो सके या और किसी को भी, या कोरोना वायरस ना फैल सके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं नई वीडियो में से इसी चैनल पे और सारे टॉपिक के साथ।